हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज ग्रिल। मैं नेहा आनंद लेकर आई हूं आज की ताजा खबर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, ऐसी ही सफलता पाई है एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने, जिसकी कामयाबी की चर्चा हर तरफ हो रही है। आपने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऑटो रिक्शा चालक का बेटा अपने पहले प्रयास में ही देश का एक सम्मानित पद IAS प्राप्त कर लेगा। मुश्किलों भरी जिंदगी से जीत गया सिर्फ 21 साल की उम्र का यह लड़का। माना जाता है कि UPSC सिविल सर्विस परीक्षा देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। लाखों विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वे परीक्षा में सफल हो सके। यह कोई स्कूल कॉलेज की परीक्षा की तरह नहीं है। इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ सही मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ती है। IAS की परीक्षा के लिए कई किताबें और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसको खरीद के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पैसे न होने की वजह से ये सुविधाएं लेने में असमर्थ हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अंसज अहमद शेख की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया। परिवार की मुश्किलों को हल करते करते वो अपने IAS बनने के सपने को भी पूरा कर रहे थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में अंसज ने IAS अधिकारी की पोस्ट हासिल की है। आप सुन के दंग रह जाएंगे कि अंसज ने पहली कोशिश में ही सफलता पाई है। उन्होंने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा 2015 में दी थी। उन्हें IAS बनने की प्रेरणा अपने एक शिक्षक से मिली थी। 91% से उन्होंने अपने SSC बोर्ड परीक्षा पास की थी। उनके पास फर्गुसन कॉलेज पुणे से राजनीति विज्ञान में डिग्री भी है। अंसज शेख महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के जालना के शेरगुड़ गांव के एक ऑटो रिक्शा चालक यूनुस शेख अहमद के बेटे हैं। उनके पिता की 3 पत्नियां हैं और अंसज की मां दूसरी है। अंसज एक गरीब परिवार से थे। उन्हें पढ़ाने के लिए उनकी मां खेतों में काम करती थी। साथ ही उनके छोटे भाई अनीस ने अपनी शिक्षा 7वीं कक्षा में ही छोड़ दी थी। परिवार की मदद करने के लिए अनीस गैरेज में काम करता था और अपने भाई को IAS परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करता था। वैसे तो कई और भी विद्यार्थी IAS बनते हैं, लेकिन अंसार की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि अपने परिवार में वो इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। अपने स्वयं के शब्दों में अंसार ने अपनी घरेलू स्थिति का वर्णन किया है। मेरे परिवार में शिक्षा का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा। मेरे पिता एक रिक्शा चालक हैं, उनकी 3 पत्नियाँ हैं, मेरी माँ दूसरी पत्नी है। मेरे छोटे भाई को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और मेरी 2 बहनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने UPSC परीक्षा पास की है तो सभी चौंक गए। आपको बता दें कि अंसज UPSC सिविल सर्विस की तैयारी के लिए एक निजी कोचिंग क्लास भी लेते थे, जिसके लिए उनके परिवार को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसी कारण कई बार उन्हें 1-2 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। पर जैसे ही अंसज को अच्छा परिणाम मिलता था तब सबके चेहरे खुशी से खिल उठते थे। परिवार के साथ उन्हें शिक्षा राहुल पांडव को मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए भी धन्यवाद दिया है। UPSC की परीक्षा में 361 की रैंक लाके अंसज ने सभी के सर ऊंचे कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनके घर के हालत इतने खराब थे कि जब एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचा तो उनके घर पर रोशनी के लिए एक बल्ब तक नहीं था। अंसज के भाई ने उसी वक्त पास की दुकान से एक बल्ब लेकर आ गए थे। अंसज का कहना है कि यदि एक ऑटो चलाने वाले का बेटा IAS बन सकता है तो दुनिया का कोई भी बच्चा ये कर सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब और चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। जब इंसान के जीवन में हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अंसज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। हम उन्हें उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे। अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाज़त। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।